दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय प्रताप वर्ल्ड स्कूल डिफेंस रोड पठानकोट। मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, अगर जरूरत है तो सिर्फ ईमानदारी से प्रयास करते रहने की। कुछ ऐसा ही उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत धरोट के छोटे से गांव लखनऊ की हिमानी शर्मा ने इसे प्रशासनिक सेवा परीक्षा में संभव करके दिखाया है। हिमानी राज्य प्रशासनिक सेवा की संयुक्त परीक्षा में दूसरे स्थान पर रही है। हिमानी की बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाने की चाहत थी, जिसे पूरा करते हुए हिमानी ने कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचने में सफलता पाई है। हिमानी का कहना है कि जिंदगी में निर्धारित किए गए कार्य को लगातार मेहनत व दृढ़ निश्चय से पूरा किया जा सकता है। हिमानी कई बार एक आध अंकों से और इंटरव्यू में चार बार असफल रही, लेकिन खुली आंखों से जिए गए इस सपने को हिमानी ने पांचवें प्रयास में पूरा किया। हिमानी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और अध्यापकों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मेरी इनिशियल एजुकेशन, जैसे कि आपने पूछा, 7th तक मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट से हुई है। उसके बाद सर मेरे पापा की पोस्टिंग इधर हो गई थी, तो मैंने अपनी 8th to 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनऊ से की है, जो कि अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है। सर मैंने अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई श्री दशमेश अकेडमी अनंतपुर साहिब से की है, एंड मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक इन आईटी फ्रॉम यूआईटी शिमला से की है, एंड हर जगह मैंने, जैसे वहाँ मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और प्रथम स्थान हासिल किया है। यस सर, जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा 5th प्रयास था। इसका सर मैं इस जर्नी को थोड़ा इलेबोरेटली बताना चाहती हूँ। 2019 में मेरा पहला प्रयास था, तो मैं तब इंटरव्यू से आउट हुई थी। इन 2020 सर मैंने HP सबॉर्डिनेट अलाइड एग्ज़ाम का मेंस उत्तीर्ण कर लिया था, डॉक्यूमेंटेशन राउंड से आउट हुई थी तब मैं। एंड सर उसके बाद मैंने लगातार 2 मेंस भी लिखे हैं HPAS के। एंड सर 2023 में मैंने नायब तहसीलदार का इंटरव्यू राउंड तक पहुँची थी, एंड सिर्फ 1 मार्क के मार्जिन से मैं आउट हो गई थी जी सर। एंड ये मेरा 4th मेंस था, 2nd इंटरव्यू था और 5th प्रयास था। यस सर। सर युवाओं के लिए मेरा यही एक संदेश होगा कि पहले तो वो खुश रहें और मेहनत करते रहें, जिस भी मुकाम पे वो जाना चाहते हैं उसके साथ साथ परसीवरेंस और धैर्य रखें, और साथ में थोड़ा फिजिकल वेलबींग और मेंटल स्ट्रेंथ का ध्यान रखें, तो स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल एक्सरसाइजेज कैन हेल्प देम इन दैट डायरेक्शन। और सर आपने पहले भी एक प्रश्न पूछा था जिसका मैं जवाब देना शायद भूल गई थी। इस परीक्षा में जो भी मैंने चुनौतियाँ फेस की उसका पूरा का पूरा श्रेय पहले तो मैं अपने भगवान का, जिनको भी मैं मानती हूँ, उन्हें दूंगी, श्री नैना देवी जी को, साथ में माता पिता के सहयोग, अपने भाई भाभी और पूरी की पूरी फैमिली को और सारे रिश्तेदारों को, उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। इतने साल लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, जब साथ में सर अपने गुरुजनों का और पूरे के पूरे इस क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद ही हूँ जी सर। थैंक यू सर। ये सपना जरूर होता है, मेरा भी था ये, लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि बेटी 2018 में जैसे ही इसने बीटेक किया और इसने वहाँ पे गोल्डन मेडल जो है प्राप्त किया था, वहाँ से थोड़ा सा मुझे ये लगा, इसने इच्छा व्यक्त की कि पापा मैंने जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने हैं। हालांकि इसकी विप्रो में प्लेसमेंट हो चुकी थी, तो इसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, अगर आपकी इच्छा है हम जरूर मौका देंगे। तो इसने भगवान की कृपा से और परिजनों के और दोस्तों के आशीर्वाद से इसने जो है प्रथम प्रयास में जो है HAS जो है परीक्षा पास कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से जो है भगवान को मंजूर नहीं होगा, 2019 में ये जो है इंटरव्यू में जाकर जो है असफल रही। तो हमने इसको हौसला दिया, कोई बात नहीं बेटे, आपने पहले ही प्रयास में यहाँ तक पहुँच गई है, तो यहाँ तक पहुँचना ये कोई आसान काम नहीं है। हमने इसको हौसला दिया, अगले साल इसने एलाइड हिमाचल एलाइड एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम दिया इसने, और भगवान की कृपा से ये प्रीलिम में और मेन में यहाँ तक कि ये डॉक्यूमेंटेशन होती थी उस टाइम वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँचते पहुँचते वहाँ भी मेरी बेटी को जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगले साल इसने जो है ये नायब तहसीलदार का जो टेस्ट है वो भी इसने
इंटरव्यू तक पहुंची, वहां जो प्रथम आया था 153 मार्क्स उसके थे और इसने 100 मतलब मेरिट जो गई थी 153 तक जो है कट डाउन मेरिट गई थी, लेकिन इसके 152 जो है 152 मार्क्स आए थे, वहां एक अंक से जो है ये रह गई थी। तो वैसे तो ये निराश काफ़ी हुई उस टाइम, लेकिन भगवान की कृपा या भगवान ने पता नहीं हमारे लिए क्या सोचा होगा, इसने जो है मायूस तो जरूर हुई है, लेकिन हमने इसको जो है वहाँ कोई बात नहीं बेटे, हम आपके साथ हैं, आप अगर चाहते हैं, अगर आपने उठाना होगा तो जो भी एग्ज़ाम कोई ना कोई निकलता है ज़रूर उसमें हिस्सा लें। तो ये बेटी जो है अगर UPSC का एग्ज़ाम निकलता था उसमें भी ये प्रयास करती थी, अगर HPS का एग्ज़ाम कोई ना कोई जो भी निकलता था हम मौका जो है वो ज़रूर हासिल करते थे, ज़रूर इसको वो एग्ज़ाम दिलवाते थे। तो इसने ये प्रयास जो है 5वां प्रयास था इसका HPS में। तो चलते गए, ये 1 अक्टूबर 2023 को इसका प्रीलिम हुआ था, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इसका जो है मेन एग्ज़ाम HPS का हुआ, और ये 5 मार्च 2024 को इंटरव्यू हुई थी, तो 6 मार्च 2024 को इसका रिजल्ट निकला। तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इसने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है दूसरा स्थान ग्रहण किया है। मैं इसके लिए जो श्रेय देता हूँ, सबसे पहले तो मैं ऊपर भगवान की कृपा जो है, हमारे जो देवता हैं, हमारे जो इसकी जो माता को ये ज़्यादा मानती हैं, मैं उसको देता हूँ। उसके बाद अगर मैं श्रेय देता हूँ इनके गुरुजनों को देता हूँ, इसके रिश्तेदारों को देता हूँ, और हमारा तो चलो ऐसा है, हम ये कहते हैं कि हम जितना कर सकते थे इसके लिए हमने पूरा सहयोग इसको देने की कोशिश की है। और कई बार ये जो है मैं देखता रहता था, महसूस करता था कि ये अकेले में कई बार काफ़ी मायूस हो जाती थी, हमें पता होता था कि ये मतलब मायूस तो है, लेकिन चलो होता है, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन मैं इसको पूरी, इसकी मम्मी जो है खास करके काफ़ी इसको हौसला देती थी। तो आज हमारी भगवान ने जो है ये जो खुशी दी है, मैं उनका दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।